Assalamualaikum everybody, my name is Zaman. Thank you so much for watching my YouTube channel. Assam में इंडिया ने अपनी फौज भेजी है और असम में इंडिया की फौज क्या कर रही है? असम में इंडिया की फौज वो ही कर रही है जो इंडिया की फौज कश्मीर में कर रही है, जो इंडिया की फौज लद्दाख में कर रही थी, जो इंडिया की फौज ने बांग्लादेश में किया, जो इंडिया की फौज हर जगह करती है और जो इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन करती है. इंडिया ने रेप किए, मोलेस्ट किया, औरतों को मोलेस्ट किया, औरतों की इज्जतें लूटी बेचारियों की. ये आज की जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, अभी आपने छोटा सा ट्रेलर देखा है. इस लड़की को मेरा सलूट, इस लड़की की मैं बहुत इज्जत करता हूँ. हर लड़की को ऐसा करना चाहिए. जो बंदा आप एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करे, उस लड़की को चाहिए कि वो शोर डाले, उसी वक्त शोर मचाए, आगे जो उसको मिलता है पकड़े, उसका सर फाड़ दे, कुछ भी करे, उसी वक्त शोर मचाए. और इस लड़की ने जो किया है, मैं कहता हूँ सलाम है इस लड़की को, सलाम है इस लड़की को. मैं कहता हूँ कि हर इस दुनिया की भाई बहन औरतें सबको ऐसे ही करना चाहिए जो इस लड़की ने किया. इसने ये नहीं देखा कि वो आगे से जो है वो मिलिट्री ऑफिशियल है, ठीक है ना. उसने ये नहीं देखा वो कौन है, उसने बस ये देखा कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है. तो उस लड़की ने उसे पूरे बाजार में बागा बगा के मारा है. आई स्वेयर टू अल्लाह, दिस गर्ल डिजर्व्स सो मच रिस्पेक्ट. That's why I took time out of my schedule to make this video. And please, आप लोग ये वीडियो देखो एंड तक और देखो ये लड़की इस इंडियन अफसर का क्या हाल करती है. और बाद में इंडियन अफसर क्या कह रहे हैं, इंक्वायरी हुई है, बोल रहे हैं कि ये एक मामूली सी बात है, कह रहे हैं ये एक छोटी सी बात है, इट्स अ माइनर इंसिडेंट. ज्यादातर इंडियन आर्मी में ऐसा ही होता है. 98% ऑफ कंप्लेंट्स दैट आर सेंट टू इंडियन आर्मी निग्लेक्ट की जाती हैं, उन्हें निग्लेक्ट कर दिया जाता है. 98% ऑफ द टाइम्स जो रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कहते हैं कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं. सो 98% ऑफ द टाइम वो बच जाते हैं, इसीलिए उनको हिम्मत मिलती है ये सब करने की. उन्हें पता है मैं इनका रेप कर लूंगा, बाद में मेरी मिलिट्री तो मुझे कुछ नहीं कहना, उन्हें तो मेरा साथ देना है, उन्होंने मेरी हेल्प करनी है, क्योंकि उनके बड़े से बड़े अफसर ऐसा कर रहे हैं. वाइफ स्वैपिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन मिलिट्री के अंदर. आई स्वर टू गॉड, यू गाइस शुड लुक इट अप. अस्तगफिरुल्लाह. ये वाइफ स्वैप करते हैं बड़े अपना लेने के लिए हायर रैंक्स इन आर्मी. अस्तगफिरुल्लाह, आई जस्ट कांट बिलीव दिस. बट एनीवेज, ये आप वीडियो देखो और वो कह रही है, वो बंदा आके से अंडरवियर मांग रहा है, ये एक सेल्स पर्सन है. और ये आर्मी का बंदा आके इंडियन उसे कहता है मुझे अंडरवियर चाहिए, तो वो कहती है अंडरवियर तो अगर मुझसे मांग रहा है तो क्या तुझे अंडरवियर लेने के दौरान मुझे हाथ लगाना जरूरी है? उसे हाथ लगा रहा है, अंडरवियर चेक करता हुआ ना, तो उधर सेल्स पर्सन को हाथ लगा रहा है, उसे मोलेस्ट कर रहा है. तो उस लड़की ने पत्थर उठा लिए, उसको मारा, फिर उसके अफसर से उसे चपेड़े डलवाई. आप चेक करो यार, ये सलूट है इस लड़की को, सलूट है. ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करो, इस लड़की को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. और सब लड़कियां इसे देखें, मेरी सब बहनें, माएं, औरतें, सब इसको देखो. और इसको देखने के बाद एक सीख हासिल करो कि मर्द अगर हमसे ऐसा करेगा तो हमने डरना नहीं है, हमने उसी वक्त शोर मचाना है और उसको सबके सामने बदनाम करना है, ताकि आइंदा से कोई मर्द ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे. अल्लाह पाक हर एक औरत की इज्जत को महफूज रखे. अल्लाह पाक पूरी दुनिया में हर एक अमन पसंद को अल्लाह पाक अपने हफ्ज़ो अमान में रखे. मेरा मालिक सब पे अपना रहम करे. अल्लाह हाफिज. टिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सम न्यूज नाउ फ्रॉम असम. अ यंग गर्ल इन हाफ लॉन्ग रिफ्यूज टू लेट नामी जवान गेट अवे फॉर हैरेसिंग हर. शी इज शोन ऑन कैमरा हिटिंग द जवान आफ्टर ही अलेजेडली ट्राइड टू मोलेस्ट हर. द आर्मी हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी आफ्टर द गर्ल फाइल्ड एन FIR. स्लिप करो.
क्या है क्या मैं प्रेस का आदमी हूँ प्रेस का आदमी हूँ प्रेस का आदमी हूँ आगे में यहाँ का करिए ना यहाँ का कीजिए उसका बाद में यहाँ में गए ना आप यहाँ में करो यहाँ में करो उसका बाद में हमें करो अंदर भी अजय ना बल गई नियम नहीं तुम्हारा हटाएगा हम तेरे